शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर महादेव की दया ना हो तो यहाँ कुछ भी नहीं संभव है। और महादेव की दया है तो किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस बात को समझने के बाद, सचमुच में जो बोधात्मक ज्ञान था उसमें समझने के बाद, उन्होंने पहला सूत्र दिया शिव से दया मांगना, और दूसरा वो दिया जो गुरु ने आदेश दिया था। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, लेकिन तीनों सूत्रों में दूसरे सूत्र में है गुरु का आदेश, क्योंकि गुरु की दया के बिना आप उनके आदेश को भी पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करती है। शिव चर्चा का यही अर्थ होता है। तीसरे में उन्होंने कहा कि नमः शिव, ऐसे आप शिव को प्रणाम कर सकते हैं। शिव को नमन करने की प्रक्रिया जरूरी है, इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं जो उनको मिला। तो अब जैसे ही हम कहते हैं अब शिव शिष्यता में जो ये नमः शिवाय है तो उसका क्या अर्थ है, और शास्त्रों में जो नमः शिवाय कहा है उसका क्या अर्थ है। तो जो साहब ने व्याख्या की इसकी, जो आओ चले शिव की और पुस्तक में एक आलेख भी इस पर लिखा हुआ है कि जब कहीं कुछ भी नहीं था, शून्य था, मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे ये घर था ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी धरती तो रही होगी। लेकिन अगर धरती भी नहीं होती यानी शून्य होता, कुछ भी नहीं होती, तो कुछ भी नहीं था जब सब कुछ महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन शिव की सारी शक्तियां तो थी ही, शक्तियां खत्म नहीं हुई थी, शक्तियां तो थी ही, लेकिन वो जागृत नहीं थी, प्रकटीकरण उसका नहीं था। जैसे ये स्विच जो है इसके अंदर बिजली की सप्लाई है, लेकिन वो ऑफ किया हुआ है तो पंखा बंद है, बल्ब बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन उसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो सब कुछ जल उठेगा, क्योंकि सप्लाई है उसमें, ऊर्जा है उसमें, एनर्जी, एनर्जी का अपना एक सिद्धांत है ना, एनर्जी है उसमें, लेकिन क्योंकि हम जब तक उसको सुसुप्त अवस्था में यानी कि सोई हुई अवस्था में रखते हैं तब तक वो शक्तियां कार्य नहीं करती, एक्टिव नहीं होती, लेकिन रहती है अपने पूरे रूप में। तो साहब ने कहा कि ये सारी शक्तियां जो शिव की थी वो सुसुप्त अवस्था में थी यानी सोई हुई अवस्था में, शांत, इसीलिए कहीं कोई तरंग नहीं, जीवन नहीं तो तरंग नहीं, कहीं कोई तरंग नहीं, सब कुछ क्या था, एक अघोर, इसीलिए शिव का एक नाम है अघोर, यानी जहां कहीं कुछ भी घोर नहीं है। जैसे ही कुछ बनेगा, जैसे ही कुछ प्रकट होगा तो तरंगें पैदा होती हैं, लेकिन अगर वो तरंग समतल हो जाए यानी कि वो चीज, वो मामला खत्म हो गया। जैसा आपने मशीन में देखा होगा, अगर ईसीजी करवाइए तो उसका फोटो कैसा आता है, जो दिल हमारा धड़क रहा है उसका अगर जांच कराइए तो उसका फोटो कैसा आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और अगर किसी का प्लेन आ जाए तो उसको क्या मतलब क्या हुआ इसका, कि अब नो मोर, नहीं रहा सर, अब जीवित नहीं है, यानी तरंगे, जब कुछ जीवित होंगी कुछ बनेंगी तो तरंगे पैदा होंगी। लेकिन शिव ने इच्छा की, एको हम बहु श्याम, शिव ने इच्छा की, लेकिन शिव की इच्छा में और तरंगों के पैदा होने में कुछ तो समय रहा होगा, कुछ तो गैप रहा होगा। तो साहब कहते हैं कि इस ये जो समय था, इसी समय में एक आवाज आई, ध्वनि, ध्वनि यानी जैसे अभी हम मैंने कहा ये क्या है, ये शब्द है, ये क्या है, ये शब्द नहीं है, ये ध्वनि है। लेकिन इसी ध्वनि को अगर आप शब्द दीजिएगा तो आप कहिएगा खटखटाना, आप नहीं टेबल बजाना, ये शब्द हो गया, लेकिन ये है क्या, ध्वनि। यानी जब ध्वनि हुई तो वो ध्वनि कैसी थी, आ ओ म, और ये एक साथ गूंजी तो कैसी हुई आवाज, एक बार में सुनने में कैसी लगी, ओ,
ओम जब कोई जप करता देखिएगा गूंजेगी वो आवाज, ध्वनि जो है गूंजती हुई निकल रही है, क्रिएशन हो रहा है उसमें, चीजें बन रही है, रह रही है और टूट रही है, तीनों चीजें है उसमें। लेकिन अब वो है ध्वनि और संसार बना, तो सबसे पहले क्या बना? आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी। तो आकाश यानी पहला तत्व जो बना, जो सबसे सूक्ष्म तत्व था, तो उसमें क्या हुआ? सबसे पहला शब्द जो प्रकट हुआ, ये जो ध्वनि थी, इसका जो शब्द बना, तो वो सबसे पहला शब्द क्या था? तो वो था नमः शिवाय। यानी ओम का ही प्रकट शब्द रूप है नमः शिवाय। ओम ध्वनात्मक शब्द है, प्रणव मंत्र भी इसको कहा जाता है, प्रणव मंत्र को नमः शिवाय को कहा जाता है और ओम को ध्वनात्मक भी कहा जाता है, ओंकार। तो नमः शिवाय प्रकट रूप है। अब जो है धरती यानी पांचों तत्वों में ये नमः शिवाय का चल रहा है, सारी चीजें चल रही तरंगों में है। अब तो दुनिया के लोगों के लिए उस शिव तक पहुंचने का, उनको प्रणाम करने का सबसे सुंदर माध्यम है इस मंत्र का प्रयोग करना। और इस मंत्र का प्रयोग शास्त्रानुसार, शास्त्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने का मंत्र है। जगत गुरु शिव का एक जो रूप है जिससे हम जुड़े हैं गुरु और शिष्य परंपरा में, उसी गुरु का समग्र स्वरूप क्या है, वो जगत गुरु शिव संपूर्ण रूप में क्या कहलाते हैं? देवों के देव महादेव, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर। तो कोई गुरु ईश्वर से मिलवाता है, शिव भी जब गुरु होंगे तो वो अपने समग्र स्वरूप से ही आपको मिलवाएंगे। याद कीजिए उस पंक्ति को जो साहब ने आरा के गांधी शमशान में कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने ये सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान समझकर ही उनको गुरु माना था। नहीं तो नमः शिवाय की जो व्याख्या है वो और विस्तृत है, इसी बात को और ज्यादा विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन मूल बात यही है। इसीलिए शिव शिष्यता का में सर्वोत्तम विधि, शिव के शिष्यों के लिए जब की सर्वोत्तम विधि शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखी है कि सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, यानी श्वास पे नमः आना और शिवाय का उतरना, अजपा जप जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सके। ये सबसे सर्वोत्तम विधि है शिव शिष्यों के लिए। और बाकी लौकिक कष्टों के समाधान के लिए तो आप रुद्रास की माला पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रुद्रास की माला एक दिवा काल में जो हम करते हैं उसके बावजूद शिव शिष्यों के लिए साहब ने कहा है कि उसके अलावा अजपा जप जरूर करिए, चाहे पांच ही बार आपका मन टिकता है शिव का, जितनी देर टिके उतनी ही देर करिए, लेकिन जरूर करिएगा।